हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्री और आप देख रहे हैं श्री इट फूड्स। आज मैं आया हूँ ग्रैंड रोड पर एंड ग्रैंड रोड इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स थिएटर्स। 19th सेंचुरी से बहुत मशहूर है और यहाँ पर खाना भी बहुत डिलीशियस मिलता है। सो आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ कुछ ईटरीज यू नो विच इज़ जस्ट आउटसाइड द ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द पीपल हु यू नो कम्यूट एवरी सिंगल डे। और सिंस ग्रैंड रोड इज़ वेरी नियर टू मुंबई और यहाँ पे कॉरपोरेट ऑफिस भी बहुत है, लोग बहुत एम्प्लॉयज़ हैं, यू नो दे ट्रैवल अ लॉट, अप डाउन करते रहते हैं और उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है कुछ यू नो लंच ब्रेक और या तो स्नैक्स ब्रेक्स के लिए। सो आज हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले ग्रैंड रोड पे स्पेशली यहाँ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट्स और यू नो विच विल बी वेरी अफोर्डेबल। सो मैं फ़िलहाल अभी हूँ लैमिंगटन रोड पर और जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कबूतर है। लोग यहाँ पर स्पेशली आते हैं कबूतरों को खिलाने के लिए एंड यू कैन सी इट सो मैनी ऑफ देम। सो देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर सम यू नो गुड फूड आउटलेट्स इन ग्रैंड रोड, यहाँ पे क्या क्या मिलता है। मैं तो बिल्कुल भी स्टडी करके नहीं आया हूँ, आई जस्ट केम हियर एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर इट मोर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फूड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी हम आए हैं आज़ाद हिंद होटल और ये ग्रैंड रोड स्टेशन से बहुत नज़दीक है, इट्स लाइक 5 मिनट्स अवे फ्रॉम ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन। एंड यहाँ पे राजौड़ी चाय बहुत मशहूर है। आई हैव नेवर ट्राइड राजौड़ी चाय। मैंने यू नो मसाला चाय पिया एंड यू नो दार्जिलिंग चाय भी टेस्ट किया है, बट राजौड़ी चाय आई नेवर टेस्टेड। सो यहाँ का राजौड़ी चाय जो बहुत मशहूर है, सो आज हम वो ट्राई करने वाले हैं। और उसके अलावा यहाँ पर स्नैक्स भी मिल जाता है आपको, यू नो पूरी भाजी, राइस प्लेट, वड़ा प्लेट, यू नो वड़ा पाव, भजिया प्लेट, इवन दाल राइस। बट आज हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं राजौड़ी चाय। सो लेट्स गो इनसाइड। सो ये रहा राजौड़ी चाय और ये यहाँ पे बहुत मशहूर है। सो लेट्स टेस्ट इट। ये काफ़ी यू नो ट्रेडिशनल वे जो हम लोग बचपन से कटिंग चाय देखते हैं उस तरीके से ग्लास में आता है, कांच वाला ग्लास से। सो लेट्स टेस्ट इट। सो ऑसम। आई थिंक टेस्ट डिस्क्राइब करने से पहले आई थिंक मैं आपको बता दूँ, यहाँ का जो मिल्क का क्वालिटी है दैट इज़ सुपर्ब, दैट इज़ रियली अमेजिंग। बहुत गाढ़ा है मिल्क। अगर टेस्ट के बारे में बता दूँ तो इट्स रियली ऑसम। आई थिंक काइंड ऑफ मसाला चाय, थोड़ा शुगर का क्वान्टिटी ज़्यादा है मेरे टेस्ट के हिसाब से, बट टोटली रिफ्रेशिंग। आई थिंक दिस स्टार्ट्स योर डे सिंपली अमेजिंग। तो अभी हम पहुंच गए हैं द वन एंड ओनली आइकॉनिक दी मेरवान एंड कंपनी। एंड कैन यू बिलीव इट, ये भारत के इंडिपेंडेंस के पहले से ही शुरू हुआ था एंड दिस इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन ईस्ट में। और यहाँ पे वेज पैटीज, बन मस्का, मावा केक, मावा पफ, इट्स ऑल फेमस हो गई है। सो अभी हम अंदर जाएंगे, लेट्स सी। बहुत यूनिक है एंड बहुत स्पेशल है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। सो लेट्स गो इनसाइड एंड ट्राई समथिंग। सो हमने दो डिश लिया है, दैट इज़ मावा समोसा एज वेल एज पनीर रोल। सो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे मावा समोसा। यू नो मावा समोसा वोंट बी स्पाइसी, दिस विल बी वेरी स्वीट एंड द नेम ऑल्सो सजेस्ट दैट इट दिस विल बी वेरी स्वीट। सो ये ट्राई करते हैं, दैट इज लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। द फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग मावा समोसा। सो द मावा समोसा बाहर से तो बहुत क्रंची है और अंदर से बहुत स्वीट। आई थिंक दे हैव पुट लॉट्स ऑफ मावा। और हम देख सकते हैं यू नो अंदर से इन्होंने मावा स्टफ किया हुआ है और ये एगलेस है, यहाँ पे नो एग्स का भी ऑप्शन मिल जाते हैं। बहुत सुपर टेस्ट। एंड लेट मी टेल यू वन फैक्ट, सच एन आइकॉनिक प्लेस। 1914 से ये आउटलेट है, जस्ट ऑपोजिट टू ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन। आपको लगेगा ये बहुत महंगा है, बट लेट मी टेल यू दिस इज़ वेरी वेरी चीप, काफ़ी रीजनेबल प्राइस है, बट बहुत अफोर्डेबल है, बहुत सुपर है और बहुत अटके है, दैट्स अ मेन थिंग। दिस इज़ लाइक खारी, खारी जो नो रेगुलरली महाराष्ट्र में तो बहुत खाते हैं, आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस, बट महाराष्ट्र में खारी तो बहुत फेमस है चाय के साथ, यू नो दे मोस्टली पीपल हैव इट। सो दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। आई थिंक मैदे से बना है द आउटर क्रस्ट और इन साइड दे हैव जस्ट टफ द मावा, सो इट्स समथिंग लाइक दैट। सो यू कैन जस्ट इमेजिन द टेस्ट, बट यहाँ पे आने का जो मज़ा है दैट वो कुछ और ही है। सो लेट्स ट्राई।
पनीर रोल, तो ये भी काफ़ी कुछ यू नो सिमिलर टू मावा समोसा है, बट दिस वोंट बी स्वीट जस्ट लाइक मावा समोसा, और इसमें भी क्रंची आउटर पार्ट है और अंदर दे हैव स्टफ्ड द पनीर सब्जी. आई थिंक इट्स मोर और लेस काइंड ऑफ पनीर भुर्जी. सो लेट्स हैव इट. Never had something like this. So good. So you can see a lot of finely chopped vegetables like tomato, capsicum, onions, और उसके साथ आता है यू नो क्रम्बल्ड पनीर विद इट. आई थिंक दिस इज़ अ मस्ट ट्राई डिश. पनीर बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है. आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेट ट्राई, स्पेशली विद द चाय. सो वी आर एट तेजस रेस्टोरेंट और ये भी ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन से बहुत नज़दीक है. सो यहाँ पे पंजाबी डिश, पिज़्ज़ा, साउथ इंडियन पाव भाजी, चाइनीज और ये सब मिल जाते हैं, इवन सैंडविचेस भी मिल जाएंगे. सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक आउट. सो लुक एट द मेन्यू हियर, ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं. एंड इफ यू टर्न अराउंड, सो फालूदा, रायता, राइस, चाइनीज आइटम एंड वॉट नॉट सब मिलता है यहाँ पे. सो अभी हमने लिया है यहाँ पे सोया बिरयानी. मैं पनीर बिरयानी खा चुका हूँ, मशरूम बिरयानी खा चुका हूँ, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग सोया बिरयानी. सो एक्चुअली मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं सोचता हूँ कि नो वॉट एवर आई डिडंट ईट टिल नाउ मैं वो ट्राई करूँ. मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट लगता है जब मैं कुछ नया टेस्ट करता हूँ. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग सोया बिरयानी. सो अभी मैंने ऑर्डर कर लिया है. लेट्स सी, इवन आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ आइडिया कि ये कैसा रहेगा. सो लेट्स ईट इट. सो दिस इज़ यहाँ का फेमस सोया बिरयानी. दिस इज़ व्हाट आई ऑर्डर. और ये दिखने में तो बहुत लजीज लग रहा है, काफ़ी स्पाइसी है दिखने में. यू नो आई डिडंट एक्सपेक्ट, आई थॉट इट वुड बी वेरी नॉर्मल वाइट राइस और येलो राइस. सो इसके साथ आता है ये चना मसाला और रायता. सो दिस इज़ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर बिरयानीज. सो लेट्स ट्राई दिस सोया बिरयानी. बहुत यम्मी है. सो इट लुक्स स्पाइसी बट इट्स एब्सोल्युटली नॉट, बहुत सटल है. सो दिखने में तो आपको लगेगा कि इट्स वेरी स्पाइसी बिकॉज इट्स रेड, बट लेट मी टेल यू इट हैज़ दैट स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ऑफ स्पाइस, बट ये तीखा नहीं है. बट इन्होंने सोया चंक्स यूज़ किया है, आई थिंक दे हैव डीप फ्राइड इट, उसके बाद इन्होंने बिरयानी के साथ मिक्स किया है. सो आपको बीच में ना सोया का बहुत क्रिस्पीनेस मिल जाएगा, बट इट्स वेरी यमी. और राइस भी काफ़ी स्टिकी नहीं है, देर ऑल सेपरेट, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. सोया चंक्स डेफिनेटली डिजर्व. उसके साथ आई कैन सी कैरेट, टोमेटोज, ऑनियंस, आई कैन सी सम कैशूज ऑल्सो. क्वान्टिटी भी काफ़ी अच्छा है, यू नो ईजिली टू पीपल कैन ईजिली इट इट. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एज फार एज यू नो फर्स्ट ट्रायल इज़ कंसर्न. स्नैक्स का भी वेराइटीज बहुत है यहाँ पे, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड मील, हैवी मील, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन ग्रैंड रोड. जस्ट रिमेंबर द नेम पेजस रेस्टोरेंट. सो रात को और शाम को तो बहुत गर्दी होती है. इट्स अ बिग रेस्टोरेंट और सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी बहुत बड़ा है. सो बिफोर वी क्रैश आउट आई जस्ट थॉट यू नो हैविंग सम कोल्ड रिफ्रेशमेंट. और अभी हम पहुँच गए हैं एट उडुपी अन्ना लीला रेस्टोरेंट एंड इट इज़ अराउंड लाइक यू नो 1 to 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन. एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी फेमस रेस्टोरेंट हियर. यहाँ पे दूधी का हलवा बहुत फेमस है, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ. तो हम अभी ट्राई कर रहे हैं ऑफकोर्स यू नो अन्ना लीला लस्सी. उनका एक स्पेशल लस्सी है, दे पुट लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स इन लस्सी एंड ऑल्सो यू नो दे पुट केसर इन दैट. भाई जान पे जान आ गए, वेरी चिल और बहुत गाढ़ा है, वेरी थिक, बट द ड्राई फ्रूट्स व्हाट दे हैव पुट गोस सो वेल विद दिस लस्सी एंड ऑफकोर्स एंड दिस एक्चुअली फील्स लाइक वेरी स्पेशल लस्सी. बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी है और यू नो काफ़ी फीलिंग है. लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स हियर, आई कैन सी आलमंड, कैशूज, वॉलनट एंड केसर. और एंड में इन्होंने लस्सी के साथ इन्होंने थोड़ा रोज फ्लेवर भी ऐड किया है, सो दैट मेक्स इट मोर टेस्टी. Yeah.
सो डेफिनेटली ग्रैंड रोड इज़ नॉट अ डिसअपॉइंटिंग प्लेस और यहाँ पे बहुत अमेजिंग फूड आइटम्स मिलता है. सो ग्रैंड रोड कैन नॉट बी टेकन एज ग्रांटेड और मैं यहाँ पे कबूतरों को अभी थोड़ा खिला रहा हूँ, मेरा तो खाना हो गया. सो आई होप यू एंजॉय माई वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे मुझे और मेरी टीम, छोटी सी टीम को बहुत मदद मिल जाती है. सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लिविंग, कीप ईटिंग. बाय.